बरखेड़ा कला चंबल नदी की पुलिया पर पानी आने के कारण आलोट सीतामू मार्ग अवरुद्ध हो गया है। वे आलोट से सीतामू के लिए आने जाने वाले वाहन व नागरिकों का आना जाना बंद हो गया है। इसके कारण कई टू व्हीलर व फोर व्हीलर वाहनों को आलोट चौमहला होते हुए सीतामू व मंदसौर के लिए जाना पड़ रहा है और आज गणेश विसर्जन भी है। वही चंबल नदी उफान पर आने के कारण गणेश जी को प्रवेश करने के लिए कई दूर दूर से लोग चंबल नदी में गणपति जी को प्रवेश करने के लिए आते हैं। इस व्यवस्था को देखते हुए बरखेड़ा पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और वही चंबल नदी पर पुलिस जवानों द्वारा साथ में खड़े रहकर मूर्ति प्रवेश करवाई जा रही है ताकि इससे कोई भी दुर्घटना ना हो। वही थाना प्रभारी प्रीतम सिंह ने बताया कि कई बार आसपास के गांव के लोग यहां चंबल नदी पर मूर्ति प्रवेश करने के लिए आते हैं तो उनके साथ छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं और बिना डर के ही पानी के अंदर उतरकर मूर्ति को प्रवेश करते हैं तो ऐसे में कई लोग पानी के अंदर डूब जाते हैं। डूबने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। इसलिए वहां हमारे द्वारा ऐसी घटना को रोकने के लिए जवान लगाकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सर बताएंगे आप कब से पानी आया ये पुल पे? ये दो घंटे से पानी आया है यहाँ पर, बार बार लगी हुई हमारी।